फरीदाबाद बीके अस्पताल के बाहर कितनी भीड़ लगी पड़ी है, बताते हैं क्या मामला है। देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों लोग मौजूद हैं और आपको बता दें कि अच्छा क्या बात है जरा बताएंगे। मेरी बहन है जी। अच्छा, शीतल नाम था उसका। कहाँ रहती हैं, कहाँ रहती थी? हमारा खुद का गांव तो गुड़गांव में है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और लड़की जो हमारी बहन ब्याही थी यहाँ बागड़ाओं का गांव है, पाली के पास। अच्छा, पाली बाखरी में। अच्छा, तो क्या हुआ था कल? हुआ ये था जी, कल से तो नहीं है, तीन साल से चल रही है। तीन अच्छा। साल पहले मेरी बहन की शादी हुई थी 2019 में, शायद नवंबर में। शादी भी जब लगन पे दी थी हमने, 2.5 लाख रुपए कैश दिए थे उन्हें, तो उसके बाद ही उनके फ़ोन आने चालू हो गए। इससे बढ़िया तो 1 रुपया का रिश्ता कर देते हम तो ठीक रहते। तुमने तो हमारी बेइज्जती करवा दी है। अच्छा, जैसे तैसे हमने फिर कहा कि अपनी हैसियत से ज़्यादा शादी करेंगे, और शादी में 1.5-2 करोड़ रुपया अलग से लगाए। अच्छा, शादी होने के बाद फिर उन्होंने ये सब चीज़ ड्रामे चालू कर दिए, अपनी जरूरत कह के भी हमें ज़रूरत है, थोड़ा प्रेशर बना के मेंटली करके लड़की को परेशान करके 40 लाख रुपए हमने इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। अच्छा, शादी शायद 1 महीने बाद ट्रांसफर हुआ है। 1 महीने बाद हमने ट्रांसफ़र करे थे उनके अकाउंट, और उसके बाद भी कभी 5 लाख की ज़रूरत है, कभी 10 लाख की ज़रूरत है, इस तरह से ले जाते हैं। लड़की को निरंतर मारना छेड़ना मतलब दुखी करना पहले से चालू कर रखा था। रात के कभी 2 बजे घर पे छोड़ जाता था, कभी तीज त्यौहार जो भी होते थे हमारे, और रिलेटिव जो भी शादी होती थी कहीं पर लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि लड़के के पहले अफेयर थे दुनिया। अच्छा अच्छा, लड़का तो लड़का, बाप के भी ऐसे। अच्छा, अभी लड़की हमारी प्रेग्नेंट हो गई थी, उनको लाल सदी के भी लड़का पैदा होगा तो हमें कुछ और पैसा मिलेगा। अच्छा अच्छा, मगर लड़की हुई। अच्छा, लड़की होने के 12 दिन बाद ही हमको अपनी लड़की अपने घर लानी पड़ी, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानी चालू कर दी थी। वो मारना छेड़ना जच्चा थी हमारी बहन, उसी में मारना छेड़ना चालू कर रखा था। हम अपनी बहन को अपने घर ले आए, और 9 से 10 महीना हमारे पास रही थी लड़की पैदा होने के बाद। और अब उनके घर में शादी थी, जो हमारा हरामजादा जो रिश्तेदार था ना, उसकी बहन की शादी थी। अच्छा, उन्होंने पंचायत जोड़ी, क्योंकि उन्हें पैसे की फिर जरूरत पड़ी। अच्छा अच्छा, और आए आने के बाद पंचायत करने कह रहे हैं इस बार हम दिक्कत नहीं होने देंगे किसी भी तरह की, 16 तारीख की हमारी शादी है, लड़की को भेज दो। अच्छा, जैसे हमने लड़की भेज दी, दूसरे दिन हमारे पास फिर डिमांड चालू होने लगी कि हमें थोड़े बहुत पैसे की और शादी में जरूरत पड़ेगी, थोड़ा मदद करना। हमारे चाचा ने, हमारे ताऊ ने थोड़ी उसकी मदद भी की, और शादी निपटने के बाद जो रिसेप्शन और जो मंडा झोंकने आती है, लड़की अपने घर चली जाती है। कल वो लड़की अपने घर चली गई दोपहर में। अच्छा, और शाम को इन्होंने साजिश के तहत वही सारे इकट्ठे होकर लड़की को मार दिए। अच्छा, मारने के बाद और ऐसे ने हॉस्पिटल में फेंक के चले गए, और हमें पुलिस ने फोन किया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे डेड बॉडी यार बताया चला, तो हम वहाँ पे पहुंचे। तो आपको, आपका सीधा कहना है दहेज के लिए हत्या की गई है सीधी? तो शायद 5-7 नाम दिए हैं आप लोग जो है पुलिस को, जो है 11 नाम। 11 नाम। अच्छा, FIR हो गई? FIR तो अभी हमने एप्लीकेशन लगाई कल दी थी रात। ठीक है चिंता, ठीक है। तो सुन, देख दोस्तों, बड़ा मामला है, दूसरी दूसरे पक्ष से भी बात करने का प्रयास करेंगे, भाखरी वालों से। और देख सकते हैं सैकड़ों आदमी अभी यहाँ मौजूद हैं। कल एशियन अस्पताल के सामने भी रात में लगभग 11-12 बजे तक सैकड़ों लोग मौजूद थे, और